बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो विरोधियों को खुलेआम चुनौती देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की। बाला साहेब ठाकरे का बचपन का नाम था बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ बाला ठाकरे बन गया। बाला साहेब ठाकरे वे कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिज्ञ तो बाद में बने। सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में ये नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को बहुत भाता था। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे सरकार और विरोधियों को खुलेआम धमकी देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो ऐसे जैसे कि उनसे बड़ा कोई दुश्मन ना हो, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाई थी, शिवसेना, जो आज भी चल रही है। बाल ठाकरे की एक खास बात थी, वे कभी भी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना होता था वे चलकर मातेश्री आता था। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री में जाती थी। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीजों की खुलकर तारीफ करते थे, एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बाल ठाकरे का जन्म पुणे शहर में 23 जनवरी 1926 को रमाबाई और केशव सीताराम ठाकरे, जो प्रबंधक कर ठाकरे के नाम से भी जाने जाते थे, इनके यहाँ हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। केशव ठाकरे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो 1950 में हुए संयुक्त महाराष्ट्र अभियान में भी शामिल थे और मुंबई को भारत की राजधानी बनाने के लिए प्रयास करते रहे। बाला साहेब ठाकरे के पिता अपने अभियान को सफल बनाने के लिए हमेशा से ही सामाजिक हिंसा का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने ये अभियान छोड़ दिया था क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग उन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। बाला साहेब ठाकरे ने मीना ठाकरे से विवाह कर लिया। बाद में उन्हें 3 बच्चे हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे ने अपना करियर फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में अंग्रेजी भाषा के एक हास्य चित्र बनाने वाले कार्टूनिस्ट के रूप में किया। उनके ये हास्य चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवार एडिशन में छापे जाते थे, लेकिन फिर 1960 में ही उन्होंने वे छोड़ दिया और खुद ही का ही एक पत्रिका मार्मिक शुरू की। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में वो लोग जो मराठी नहीं हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या का विरोध करते थे। जिस समय ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल से अलग हुए तब उनके साथ 3 से 4 लोग थे, जिनमें जॉर्ज फर्नांडिस ने भी वो पेपर छोड़कर अपना खुद का एक दैनिक अखबार शुरू किया। हिंदू ना जवळ घ्या, मग इतर जातींचा विचार करा। वर्णन केलेले आहे त्यांच्या त्या रिडल्स इन हिंदुइझम। तुम्ही सांगा रामा बाबतीत तुमच्या मनामध्ये जे काही एक भावना आहे, कृष्णाच्या बाबतीत तुमच्या मनामध्ये एक जो आदर आहे, प्रेम आहे, भावना आहे, ती भावना ह्या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? उनके राजनीतिक सिद्धांतों में उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था, जो संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के प्रमुख रह चुके थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के विभाजन का विरोध किया था। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की ताकि महाराष्ट्र में और विशेष तौर से मुंबई में वे मराठियों की संख्या बढ़ा सकें। त्यामध्ये असं व्यंगचित्र दिसलं, काहीतरी वेडवाकडं दिसलं त्यावेळेला, त्या पद्धतीने वेडवाकडं आता बोललं तर मात्र मला ते खपत नाही, ती कला आहे आता। तर बघितल्यानंतर मला मी बघत बसायचं, माझ्या वडिलांनी मला प्रश्न विचारला, काय म्हणे काय बघतोस, म्हटलं काय आले ते बघतोय, कारण त्याला ते व्यंगचित्र हे शब्द वगैरे मला माहीत नव्हते। आवडलं का तुला, म्हटलं हो आवडलं, काढशील का अशी काढीन,
मग एक काम कर, रोज संध्याकाळी मी येईन त्यावेळेला तू एका कागदावर हे व्यंगचित्र काढलेलं पाहिजे मला, मला दाखव. 1960 के अंत में 1970 के प्रारंभ में ठाकरे ने एक छोटे से गठबंधन के साथ पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी स्थापित की. अपने पार्टी की स्थापना करते ही उन्होंने मराठी दैनिक अखबार सामना और बाद में हिंदी भाषा के अखबार दोपहर का सामना की स्थापना की. उन्होंने अपने जीवन में कई अभियान किए और सदैव मराठियों के हक के लिए लड़ते रहे. प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल, जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं, तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही. तो फक्त तुमच्यातच मर्द निर्माण होऊ शकतो आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपानं करीत आहोत. आणि अशा तऱ्हेनं मीच माझे रेकॉर्ड मोडत चाललेलं आहे. एवढीही मंडळी आटोक्यात आणणं काही साधी गोष्ट नाही, पण ती फक्त शिवसेनाच आणू ठेवू शकते हे विसरू नका. आपण काश्मीरला अन्याय झाला असताना मी रिमोट कंट्रोलने तो बदलून टाकलेला आहे. शंकरराव चव्हाणला जमलं नाही ना नरसिंह रावाला ते जमलं नाही. ही तुमच्या शिवसेनेची ताकद आहे, ही माझी एकट्याची नव्हे. मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्याबरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे. शिवसैनिक हा बाजूला करून मला शिवसेना प्रमुख म्हणून मिळवता येणार नाही, ही माझी भावना आहे. ती प्रत्येकानं जोपासली पाहिजे. पुण्याला आमच्या वडिलांच्या प्रेतयात्रा काढलेल्या जिवंतपणी हे मी पाहिलेलं आहे, त्या बालवयामध्ये पाहिलेलं आहे. शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया. भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई. हालांकि उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से उनके नाराज भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बना ली. बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले बयानों के लिए जाने जाते थे और इसके कारण उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे. 17 नवंबर 2012 को आए अचानक हृदय विकार के कारण बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हुई. जैसे ही मुंबई में उनके मृत्यु की खबर फैलती गई, वैसे ही सभी लोग उनके निवास स्थान पर जमा होने लगे और कुछ ही घंटों में तेजी से चलने वाली मुंबई शांत सी हो गई. सभी ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया. महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 20,000 पुलिस ऑफिसर्स और 15 रिजर्व पुलिस के दलों के साथ शांति बनाए रखने के लिए निवेदन किया. बाला साहेब ठाकरे के प्रति लोगों के प्यार को देखकर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने शहर में शांति बनाए रखने का आदेश दिया. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी काफी प्रतिष्ठा की और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई. 18 अक्टूबर को ठाकरे के शरीर को शिवाजी पार्क में ले जाया गया था. उनका दाह संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया, जहां शिवसेना ने अपने कई अभियान को अंजाम दिया था. बाल गंगाधर तिलक के बाद सार्वजनिक स्थान पर यह पहला दाह संस्कार था. लाखों लोग उनके दाह संस्कार में उपस्थित थे. समाचार पत्रिकाओं के अनुसार उपस्थित लोगों की संख्या तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक की रही होगी. उनके स्वभाव से कितनी निगड़ित है देखो, कितना जुड़ा हुआ है देखो स्वभाव से. वो कोई भी गड़बड़ हो किधर भी, इमीडिएटली वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो उस पर सोचते रहते हैं. जैसा उनका ब्रश हवा में तैरता था वैसे वो अपने दिमाग से सोचते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और एक बार डिसाइड हो गया तो वो सीधे बोल के कंप्लीट करते हैं वो इशू. और बाद में जो कुछ बोला हुआ है उसका कुछ भी होने दो, उनकी परवाह नहीं है. उनके दाह संस्कार को देश के सभी न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित किया गया. लोकसभा और विधानसभा के किसी प्रकार के कोई सदस्य ना होने के बावजूद उन्हें इतना सम्मान दिया गया था. कोई कार्यकालीन पदवी ना होने के बावजूद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो देश में बहुत ही कम लोगों को दी जाती है. साथ ही बिहार के भी दोनों मुख्य सभागृह में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. बहुत ही एक ह्यूमन जेस्चर दिखाया था. जब दिलीप साहब बीमार हुए थे और वो हॉस्पिटल में थे लीलावती में, तो मैंने सुना कि उन्होंने उनकी वेलबींग की गुड विशेज भेजे थे.
ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, इससे लगता है कि जो हम अक्सर लोगों के बारे में धारणाएं बनाते हैं वो गलत होती है। And he said, Kamala, I have to now wish you goodbye. I said, there's no goodbye. We are going to continue. It's all our prayers won't go waste. You will continue. You'll be the same person again. And don't say goodbye and all that. It doesn't suit you. So he said, no, but the end has come. The end will not come. The end will not come to you. I'll see to it. बाला ठाकरे मराठी भाषा के प्रेमी थे। वे हमेशा से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने मराठी लोगों के हक के कई अभियान और आंदोलन भी किए। जॉब के क्षेत्र में मराठियों के आरक्षण के लिए उन्होंने कई विवाद खड़े किए। महाराष्ट्र में लोग उन्हें टाइगर ऑफ मराठा के नाम से जानते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिनके मृत्यु पर लोगों ने बिना किसी नोटिस के स्वयं अपनी मर्जी से पूरी मुंबई बंद रखी थी। निश्चित ही हमें महाराष्ट्र के इस महान नेता को सलामी देनी चाहिए।